मैं हूँ रेखा, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रवा मावा मोदक। बनाने में बहुत ही आसान है, खाने में बहुत ही टेस्टी है। इस गणेश पूजा पर आप अपने घर पर मोदक बनाएं और गणेश जी को भोग लगाएं। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। रवा मावा मोदक बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 1 कप सूजी, 1 कप चीनी, थोड़ी सी केसर की पत्ती, थोड़े से बादाम क्रश किए हुए, थोड़े से इलायची के दाने, थोड़े से पिस्ता क्रश किए हुए। आप चाहें जो ड्राई फ्रूट यूज़ में ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 200 ग्राम मावा लिया है और 1 कप फुल क्रीमी दूध बॉईल किया हुआ है। आइए फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले हम कढ़ाई में सूजी डाल देंगे, 2 चम्मच घी डाल देंगे, देसी घी यूज़ में लिया है यहाँ पे मैंने, और इसको अच्छी तरह से सेक लेंगे। फ्रेंड्स हमें इसको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं सेकना है, बस कच्चापन ना रहे इस तरह से हमें सूजी को सेक लेना है मीडियम फ्लेम पर। देखिए फ्रेंड्स सूजी सिकने को आ गई है। अभी थोड़ा सा और सेकेंगे। खुशबू भी आने लग गई है। क्रश करे हुए बादाम और पिस्ता डाल देंगे और इसको अच्छे से 3-4 सेकंड के लिए हम सेक लेंगे। फ्रेंड्स मावा हमारा फ्रिज में रखा हुआ था, ठंडा है, इसलिए अब हम मावा भी डाल देंगे और इसको अच्छे से जब तक पिघल ना जाए तब तक इसको सेकते रहेंगे। हमें इसका फ्लेम हाई नहीं करना है, नहीं तो नीचे चिपकने लग जाएगा। बहुत अच्छे से इसको मिला लेंगे। सूजी गरम है, कढ़ाई भी गरम है, मावा जल्दी से इसमें मिल जाएगा। बस हमें सेकते समय ध्यान रखना है फ्रेंड्स नीचे लगे नहीं। देखिए मावा बहुत अच्छे से पिघल गया है। अब हम इसको 3-4 मिनट के लिए सेक लेंगे ताकि इसमें कच्चापन ना रहे, मावा भी अच्छे से सिक जाए। देखिए फ्रेंड्स मावा घी भी छोड़ने लगा है और बहुत अच्छे से सिक गया है। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें दूध भी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करते रहेंगे, नीचे चिपके नहीं इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स 3-4 सेकंड में ये गाढ़ा होने लगेगा। देखिए फ्रेंड्स गाढ़ा होने लग गया है। अभी हमें इसको गैस से उतारना नहीं है, हमें इसको इसी तरह से हिलाते रहना है। देखिए और गाढ़ा हो गया है, पहले से और गाढ़ा हो गया है। फ्रेंड्स अब हम इसमें इलायची और केसर की पत्तियां भी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए बहुत अच्छे से केसर की पत्तियां और इलायची एकदम मिक्स हो गई है और घोल हमारा गाढ़ा होता जा रहा है। हम इसको इसी तरह से चलाते रहेंगे। देखिए बिल्कुल गाढ़ा हो गया है, इसको 3-4 मिनट के लिए हम सेक लेंगे। फ्रेंड्स खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही है, लुकिंग में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है।
अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और ठंडा करने के लिए इसको रख देंगे। अगर आप चाहें तो कढ़ाई में ही ठंडा कर सकते हैं, हमें ज़्यादा बर्तन ना करने पड़े इसलिए हम बिल्कुल जैसे हलवाई फैलाते हैं उस तरह से कढ़ाई में ही फैला देंगे। देखिए मैंने इसको चारों तरफ फैला दिया है, कुछ ही देर में एकदम ठंडा हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स एकदम ठंडा हो चुका है और काफ़ी टाइट भी हो चुका है। आइए अब हम इसको किसी अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको मीठा कम लगे तो आप इसमें मीठा और ऐड कर सकते हैं, पर अब अगर आप मीठा ऐड करते हैं तो बारीक पिसी हुई चीनी ऐड करें। इसको मैं अलग प्लेट में निकाल लूंगी। देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको अलग बर्तन में प्लेट में निकाल लिया। आइए फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए देखिए सांचा मार्केट में मिलता है, इससे बड़े साइज के मोदक बनेंगे। अगर आप बड़े साइज के मोदक नहीं बनाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स छोटे साइज के मोदक बनाने के लिए भी मार्केट में सांचा आता है और उससे हम छोटे साइज के मोदक बना सकते हैं। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। हम छोटा छोटा इसमें से मटेरियल लेके और सांचे में रख देंगे। देखिए इस तरह से मैंने छोटा लड्डू बना लिया है इसका, और अब मैं इसको सांचे में रख दूंगी, उसको फोल्ड कर दूंगी और अच्छे से दबा दूंगी ताकि मोदक के अंदर बहुत अच्छी शेप आ जाए। एक्स्ट्रा जो बाहर आ गया उसको हम हटा देंगे। देखिए मैंने एकदम अच्छे से दबा दिया है इसको और सारा एक्स्ट्रा जो है वो हटा दिया है। अब इसको धीरे से खोल लेंगे। देखिए लुकिंग में कितना बढ़िया लग रहा है, एकदम मोदक वाली शेप आई है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसी तरह से हम सारे मोदक बना लेंगे। इसको अलग प्लेट में रख लेंगे। देखिए फ्रेंड्स अब हम बाकी के सभी मोदकों को इसी तरह से बना लेंगे। फ्रेंड्स हमने सभी मोदक तैयार कर लिए हैं। देखिए डिजाइन भी बहुत सुंदर लग रहा है मोदक का, बिल्कुल मोदक वाली शेप आई है। तो आप गणेश चतुर्थी पे इसी तरीके के मोदक बनाएं, गणेश जी को भोग लगाएं और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।